कई पूर्व सीएम अपनी सीट पर। केसी त्यागी हमारे साथ है, केसी त्यागी का रुख कर सकते हैं। केसी त्यागी, क्या कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उनकी सरकार दोबारा बन जाएगी, 10 साल बाद सत्ता में वो फिर वापस आ जाएगी, उनको ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है? हालांकि एनडीए का नंबर काफी ज्यादा है उनसे, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए एक तो अमीश जी, मैं लंबे समय तक समाजवादी आंदोलन में रहा और मुझे मुलायम सिंह जी के साथ भी काम करने का मौका मिला है। आप भी और रूबिका जी उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहते थे। आप याद कीजिए 2009 में भी 36 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, उसके बराबर का ही ये आंकड़ा है। और वीपी सिंह जी कहते थे कि चुनाव जीतना है तो बूथ केमिस्ट्री ठीक रखिए। काफी दिनों के बाद समाजवादी पार्टी की जो बूथ केमिस्ट्री है वो परफेक्ट हुई है। इस बार एमवाई नहीं था, मुस्लिम सीटें भी कम हुई और यादव सीटें भी कम हुई। यादव से दुगनी कुर्मी सीटें हुई और मोहन यादव नॉन कुर्मी के डॉक्टर से बात करेगी कांग्रेस। केसी त्यागी साहब, देखिए ये खबर आ गई है नीतीश बाबू से और टीडीपी से बात करेगी। और मेरी जानकारी ये है कि नीतीश से संपर्क में है कांग्रेस, टीडीपी के साथ भी संपर्क साधा गया है और टीडीपी से बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने बड़े दिग्गज नेता केसी वेणुगोपाल को जिम्मेदारी दे दी है। बड़ी खबर है, स्पेशल फ्लाइट से केसी वेणुगोपाल निकल रहे हैं टीडीपी चंद्रबाबू नायडू से बात करने के लिए। बड़ी खबर इस समय की। और किसी हाल में कांग्रेस का कहना है किसी हाल में नरेंद्र मोदी को पीएम बनने नहीं देंगे। बड़ा उलट फेर देश में क्या